हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, लोन किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपने सिक्योर लोन लिया है, आपने अनसिक्योर लोन लिया है, किसी भी तरह का आपने लोन लिया है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप अपने ईएमआई को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे बुड्ढे भी है जो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, ये आपको गलत सलत सलाह देते हैं, तो कृपया उनसे बच के रहिएगा। ये सिर्फ एक दलाल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपने किसी भी बैंक से अगर लोन लिया है तो सेटलमेंट कैसे कराएं। सेटलमेंट को पहले समझिए कि सेटलमेंट वर्ड क्या होता है। सेटलमेंट एक समझौता होता है जो आपके और बैंक के बीच में होता है, एक अमाउंट पे, एक लमसम अमाउंट पे इसको सेटल किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि सर, अगर हम सेटलमेंट कराने बैंक के पास जाए तो क्या पॉसिबल है कि हम उन्हें एक अमाउंट ऑफर करें और बैंक उस पर मान जाए। बैंक कभी भी नहीं मानेगा। सेटलमेंट के दो तरीके होते हैं, इन दोनों तरीकों के बारे में आज के वीडियो में हम बताएंगे। सेटलमेंट का पहला तरीका, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बैंक के पास जाते हो कि सर इतने पे सेटल करा दो, तो बैंक कभी भी नहीं कराएगा। क्योंकि बैंक पहले जा रहा है, आपके पास पैसा है, अगर आप सेटल कराने जा रहे हो तो आप अपने ईएमआई को पे करो, फिर आप सेटल क्यों करवा रहे हो। अगर यहाँ पे दूसरे केस में अगर ये होता है कि अगर आप अपने ईएमआई को पे नहीं कर रहे हो और बैंक बोलता है कि हम आपके लोन को 70-80% में सेटल कर देंगे, आप इतना पैसा लेके जमा कराइए, तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता ही पहले, तो हम पहले ईएमआई नहीं दे देते कि 70-80% आप जमा करने के लिए बोल रहे, हम देंगे कहाँ से। ये सोचने वाली बात है। तो कभी भी अगर इस दो तरह के सिचुएशन में आप फंसे हुए हो तो सेटलमेंट होगा नहीं, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अब एक जेन्युइन सेटलमेंट के बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले, अगर कभी भी सेटलमेंट का आपके मन में ख्याल आए तो सबसे पहला बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप सेटलमेंट के लिए आप कभी ऑफर नहीं करोगे। अगर आप सेटलमेंट के लिए बैंक को ऑफर करते हो तो बैंक अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उस लोन को सेटल करेगा। उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, वो आपसे इंटरेस्ट भी मांगेगा, वो आपसे पूरा प्रिंसिपल भी मांगेगा, और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कराएगा। इसमें आपका एक रुपया फायदा नहीं होगा। जब आप इतना अमाउंट पे ही कर रहे हो तो फिर आपको फायदा क्या, उससे अच्छा तो आप ईएमआई पे कर लेते। सेटलमेंट का फायदा तब होता है जब आपके इंटरेस्ट को भी माफ किया जाए और प्रिंसिपल अमाउंट में भी कम से कम 10-20% का छूट मिले। इसी को बोलते हैं कि आपके लोन में तकरीबन 60-70% का रियायत मिला। ये 60-70% रियायत मिलता कैसे, आप इसको समझिए। जब भी आप कोई भी ईएमआई पे करते हो तो उस ईएमआई में ऑलमोस्ट 50% पार्ट आपके प्रिंसिपल का होता है, ऑलमोस्ट 50% पार्ट आपके इंटरेस्ट का होता है। अगर मान लीजिए आपने एक साल पे किया और एक साल में अपना 1,00,000 रुपया पे किया है, तो आप इस चीज को ध्यान दे रहे होंगे कि 1,00,000 में से 60-70 हजार रुपया आपने प्रिंसिपल दिया होगा या 30 हजार रुपया आपने इंटरेस्ट का दिया होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट लिया है और कितने साल के लिए लोन लिया है। ये लोन और लोन अमाउंट पे ये वैरी करते रहता है। जब लोन माफ कराने या लोन सेटलमेंट की बात की जाती है तो बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के अमाउंट को छोड़ते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं छोड़ते, और बोलते हैं कि हम आपका 40-50% में सेटलमेंट कर दे रहे हैं। तो इस चीज से बचिएगा। कभी भी अगर बैंक आपको बोले कि हम इतना में सेटल कर रहे हैं तो सेटलमेंट नहीं होता। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि लोग जब सेटलमेंट का पैसा दे देते हैं तो बैंक उसे सिर्फ जमा कर देते हैं, और बाद में बहुत बार देखा गया है कि बैंक का नोटिस जाता है उन कस्टमर के पास। और कभी भी आपको लोन सेटलमेंट कराना है तो पहले एग्रीमेंट के साथ, और कभी भी लोन सेटल कराओगे तो जब बैंक ऑफर करे, जब बैंक आपको लोक अदालत का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेटलमेंट का, लोक अदालत द्वारा। अगर लोक अदालत से नहीं हो रहा है, अगर बैंक आपको सेटलमेंट ऑफर कर रहा है, तो सेटलमेंट में एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप सेटलमेंट कराएगा तो वहां पे ये क्लियर कीजिएगा कि एनओसी कितने दिन पे आ जाएगा। अगर आप इस चीज को लोक अदालत से करते हो तो लोक अदालत में क्या क्या फायदा होता है, जब आप सेटलमेंट कराते हो वहां पे हाथों हाथ आपको एनओसी देने के लिए बोला जाता है, और कभी भी कहीं पे भी आपके खिलाफ फिर से दोबारा नोटिस नहीं भेजा जाता और आपके केस को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेके जाया जा सकता। और उसमें सेटलमेंट में बहुत सारे फायदे भी होते हैं। यहाँ पे 30% तक देखा गया है कि लोन सेटल हुआ है, और सेटलमेंट होने के बाद बहुत सारे लोग पास पैसा तो तुरंत होता नहीं है, तो सिर्फ आपको सेटलमेंट अमाउंट का 25% देना है, बाकी को ईएमआई में मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आएगा जो लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।